अरे इसको धो दिया है गाइस, ये देखो असली कुत्ता है कि नकली कुत्ता है। एक मैं ऐसे करके फोटो खींच कर थंबनेल यही बना दूंगा। अब जिया अब तू खाना खा चुकी है, अब ना खाने दे, ठीक है। एक सदस्य मम्मी बढ़ गया ना, तो राशन कार्ड पे ना इसका एक नाम लिखवा ले। हमारे राशन कार्ड पे कितने नाम है, मतलब पूरी फैमिली मिला के कितने नाम है? 6 जने का नाम है, सिर्फ तुम्हारी बहू का नाम नहीं है। तो हम सोच रहे हैं गाइस कि हमारे राशन कार्ड पे जो 6 सदस्य है ना टोटल मिलाकर, तो उनमें एक सदस्य है ये अपनी जिया को चढ़वा देते हैं। बेटा आपका नाम चढ़वा दे राशन कार्ड पे। आपका नाम चढ़वा दे राशन कार्ड पे। जिया कुमारी के नाम से चढ़वा देते हैं। जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर इसका जो टाइटल होगा, जिनसे भी शादी होगी फिर उसका टाइटल इसके ऊपर आ जाएगा। ससुराल चल जाएगी तो यार विदाई कौन करेगा मम्मी इसकी। तो सुबह जैसे उठाऊ एकदम बाबू को ही देखा है मैंने सबसे पहले, और अगर उसका चेहरा देख के मेरी सुबह हुई है तो इसका मतलब आज कुछ का दिन जो है मेरा अच्छा जाने वाला है। ब्लॉग को देखते रहो, एंजॉय करते रहो। हाँ देखने के लिए बुला रही हो, किधर क्या हुआ? बच्चा है ना थोड़ी हिला ले। किधर? ओह नकली है ये तो, ये नकली है यार। हट किसी में थी, देखिए नकली है। अरे नहीं नकली है, खिलौना नहीं होता। मैं अभी सोचू कोई पालतू है एक सेकंड के लिए तो ये लगा, फिर मेरे दिमाग में आया ऐसा एक बिकता है ना मार्केट में, हाँ तो मैंने हाँ जिसकी मुंडी इधर उधर हिलती रहती है ऑटोमेटिक होती है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि सही में असली है, तो मम्मी को ये असली लग रहा था। ये ऐसा होता क्यों है करिश्मा? इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता ना जो हवा से। ये देखो गाइस, ये आपको रियल है कि ये देखो देखो कैसे कर रहा है, असली कुत्ता है कि नकली है। करिश्मा ये जिस किसी का भी है मैं उठा के ले जाता हूँ। ले पकड़, ये बच्चे हैं उनका होगा तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान देना अपना बाबू खेलेगा। सबूत भी छोड़ के जा रहा हूँ ब्लॉग में कि मैं लेके जा रहा हूँ। मैं भी डर लग रहा है। अरे इसको धो दिया है गाइस, ये देखो असली कुत्ता है कि नकली कुत्ता है। एक मैं ऐसे करके फोटो खींच कर थंबनेल यही बना दूंगा। फोटो खींचू, फोटो पे आ जा। अच्छी फोटो आ रही है। खींच दी, वीडियो अभी स्टॉप ही किया। ये डॉगी किसका है? आपका है? अरे मुझे रियल डॉगी लगा। मैं सोचा कि असली का है, मैं कूद के आगे लेने के लिए, मुझे लगा गिर जाएगा तो चोट लग जाएगा। मैं ले जाऊं इसको, हैं? अपने बाबू को दिखाऊंगा, ले जाऊं फिर अभी ला के दे दूंगा। कितनी अच्छी बाबू है, अभी ला के दे रहा हूँ। ठीक, अभी बाबू को दिखा दूंगा फिर दे दूंगा। ठीक सही गाइस, मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया। एक्चुअली मैं इसके लिए थंबनेल खींच रहा था और उधर से वो बच्ची आगे देख ली। अब इधर आ जाते वापस। कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। मम्मी तू हट, तेरे पे कूद जाऊंगा तेरी के। लाओ करिश्मा, अपने बाबू को दिखा के लेके आता हूँ। चलो इसको देखते हैं बाबू, इससे क्या बाबू का कैसा रिएक्शन आता है। वैसे तो वाइफ का भी रिएक्शन कुछ अलग ही होगा। बेबी देख कितना छोटा कुत्ता है। 50 रुपए मिलता है रोड पे। मैं तो एक बार के लिए लगा कि अरे सच में हकीकत मैंने अपने बाबू के लिए खरीदा था। ये 50 रुपए में देता है, कुछ नहीं है, वो कूट कर आता ऊपर से बना और स्प्रिंग डाल के बंद, हवा से हिल रहा था ये। तो गाइस यहाँ पे भी मैं मूर्ख बन गया। मैं सोच रहा था इनको सरप्राइज दूंगा कि इनको लगेगा कि असली है, पर इन्होंने आते ही पहचान लिया कि अरे ये तो 50 रुपए में मार्केट में मिलता है। oh, no! तो अब बाबू के लिए लाया हूँ। फिलहाल अभी बाबू दूध पी रहा है तो अभी मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। बीच में जब ये नीचे बैठेगा ना तब उसके आगे ऐसे नीचे ऐसे करके रख दूंगा। ये देखो एकदम रियल लगता है बेबी, ये तो देखने में एकदम। इसका और भी कलर मिलता है, ब्राउन भी मिलता है, पिस्ता भी मिलता है। मुझे लगता है ना ये गाइस हवा से मूवमेंट ज्यादा करता है। ये देखो थोड़ी सी हवा लगती है ना तो ज्यादा मूव करता है। देखो हल्का सा हिला, कमाल की चीज़ है, लेकिन 50 रुपये में आजकल के टाइम पे 50 रुपये में नहीं मिलता भाई। 100-150 से कम का देगा नहीं बेबी है। एक बार बताओ, यहाँ के लोगों ने कितने प्रकार के कपड़े नहीं धोए क्या? आलतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। पूरे घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसियों से भी पूछ लो उनके कपड़े उनको भी लाने दो। सुषमा देख रही है फिल्म। मम्मी का हो गया खाना स्टार्ट। मेरा खाना निकाल दो करिश्मा। खाना ब्रेकफास्ट। और कुछ लास्ट ब्लॉग देखा होगा, ये देखो हमारी जिया सो रही है गाइज। क्या हुआ? काफी देर से नींद में ये एक्चुअली गाइज यहाँ पर ये क्यों बैठी है पता है आपको? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पानी का बिल है और इसको किसी ने खोल दिया है। किसने खोला है जिया? ये इसके अंदर ना पक्का चूहा गया होगा, तभी ये गौर से ना यहाँ बैठी हुई है। जैसे ही आएगा ना पक्के से पकड़ लेगी तू है। ये कैसे गौर से देखती है इसके अंदर कोई है? हाँ है इसके अंदर भाई, पक्का श्योरिटी के साथ कह रही है, कि हाँ इसके अंदर है। अरे अरे कौन गड़बड़ी कर रहा है? उधर तो कोई नहीं। कौन कर रहा है जिया? अब गाइस फटाफट से मैं इसकी 2-3 पिक्चर लेता हूँ। देखो कितना, देखो अभी सही पोजीशन पे आ गया, बैकग्राउंड भी सही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है आज सुबह का मॉर्निंग का मैडम का ब्रेकफास्ट। तो देख सकते हो ये बना है क्या, दाल और रोटी, जो कि अभी मैडम खाएगी। और इस वक्त मेरे पास मेरी गोद में मेरा बाबू सो रहा है। और सुबह मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी। कल रात को मैं ब्लॉग को एंड कर नहीं पाया था क्योंकि बहुत जल्दी नींद आ गई थी और फटाफट से मैं सो गया था। और रात भर वैसे भी मैं बहुत ज्यादा गलत बोल रहा हूँ गाइस, मैं फटाफट सो नहीं पाता। मैं हर रोज रात को लेट सोता हूँ क्योंकि मेरा बाबू मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देता। और अधिकतर टाइम मैडम जब दिन में सो रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन के अंदर सो रहे होते हैं। दिन में सोने का मतलब ये कि रात को पूरी रात हमें ये जगाता है लड़का। दिन में सोने का जब कभी मौका मिलता है तो हम सो जाते हैं। और मैं कल रात को भी बिल्कुल ढंग से सो नहीं पाया था, लगभग 2 बजे के करीब सोया हूँ क्योंकि बीच बीच में बाबू उठ उठकर मेरे को जगाता रहता है। और इसको अपने पास में ही सुलाया था और फैन ऑन करके सुलाया था, बिल्कुल कंबल में लिपटा के। और अभी देखोगे, देखो ये कैसे कर रखा है। सो गाइस ये देखो, ये है आज हमारे घर के दिल्ली का मौसम। और गाइस एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरा गुल्लक, इसके अंदर मैंने बहुत सारे पैसे जमा करे थे। अरे इतने भी पैसे नहीं है यार, मतलब थोड़े बहुत पैसे हैं। मतलब जब फुर्सत मिलता था तो हम इसके अंदर 500-500 रुपये के नोट डाल देते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से पैसे डालना छोड़ ही दिए। और आज हमें ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आज इसे मुझे फोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको छत पर लेके आया हूँ। और ये मेरे पास है, इसके अंदर वैसे तो नट तो है नहीं कि इसको ऐसे स्क्रू डाल के लूँगा, तो अंत में मुझे इसे फोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं फोड़ रहा हूँ ये आपके साथ साझा करूँ। तो फिलहाल के लिए गाइज बस आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप यू गाइज कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो। ऐसे बेटा, ऐसे देखो, इधर से। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड। अभी मैंने दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ रखा और इसका पहले ले रहा, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बाय।